हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर शॉर्ट वीडियो। दूसरा वीडियो दिन का, आज दूसरा वीडियो तो मैं वही कर रहा हूँ ना जो पहले करता था। व्हाट एवर न्यू काइंड ऑफ फ्लेवर दैट आई एम स्मोकिंग, मैं उसका झट से एक रिव्यू शूट करता हूँ। क्या करना है वैसे, एक माइक लगाना है, एक कैमरा लगाना है और एक लाइट यहाँ पे सर के ऊपर से लगाना है, एंड द रिव्यू विल बी डन बिकॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिव्यूज फ्रॉम माई एंड आर पेंडिंग, और मुझे वो खत्म करना है और अब तक सही रिव्यू पहुँचाना है। सो आज के वीडियो में लोग रिव्यू करने वाले हैं समथिंग कॉल एज दी अल्फाकर वाइट फ्लैश। ये जो अल्फाकर वाइट फ्लैश है, इट इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया, इट इज़ फ्रॉम द दुबई एज इट इज़ रिटन, एंड सी द वार्निंग साइन इज वेल। खोका विद चिकन है क्या वो? नहीं, इट्स अ लंग साइन बेसिकली। इट इज़ फ्रॉम द दुबई और ये हमें गिफ्ट किया था, बेसिकली आई हैव नॉट बॉट इट, वेरी फ्रेंड, ये हमें गिफ्ट किया था आई बाज हुक्का ने। टोल्ड मुझे एक्चुअली बोला कि भाई रिव्यू कीजिए, इसे देखिए कैसा है, यहाँ पे चलेगा कि नहीं, और लोगों तक पहुँचाइए कि इसका कैसा टेस्ट प्रोफाइल है, उसके हिसाब से नो हम मंगाएंगे, देखेंगे कि क्या है। मतलब यू नो, इफ हुक्का बस डजंट गिव अ रिव्यू देन हाउ विल पीपल नो, राइट? कौन करता है? कोई भी नहीं करता। सो मैं एक स्मोक ले लेता हूँ, फिर आपको टेस्ट प्रोफाइल क्विकली बताता हूँ इसके बारे में। As you can see, the smoke is good. And today I'm trying my, let me show you. Today I'm trying my new Oblaco Stone Killer Bowl. इसको try कर रहा हूँ मैं, और कुछ अलग एक्सपीरियंस है भाई। खैर, इसका रिव्यू हम थोड़ा बाद में करेंगे, स्टोन बोल का रिव्यू, बट काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आ रहा है भाई। स्मोक इज फिनोमिनल, जस्ट लाइक एन एनी अदर अल्फाकर फ्लेवर। अभी तथाकथित इसमें क्या है, मैंने थोड़ा सा स्टडी किया है कि ये क्या फ्लेवर है। मुझे अभी फ्लेवर में तो मीठा मीठा लग रहा है, गले में थोड़ा सा मीठा लग रहा है। आई एम नॉट वेरी वेरी यूज टू एकदम हार्ड हिटिंग स्वीट फ्लेवर्स, वो मुझे थोड़ा इरीटेट करते गले में। बट दिस वाइट फ्लैश इज बेसिकली स्वीट लेमन। I don't know what is a sweet lemon. Like हमने तो खट्टा वाला lemon खाया है, so it's a basically sweet lemon and pineapple. What concentration I'm not aware, but definitely I can sense the pineapple, the strongness, the strong sweetness. Basically मैंने अफजल pineapple पिया, वो बहुत ज़्यादा मीठा है। ये उतना मीठा नहीं है, but वो हाँ थोड़ा मीठा है ये flavor. इसमें शायद मैं 20% पांडरस as a catalyst डाल सकता हूँ, and it will cut out the sweetness और एक बहुत ही अच्छा blend देगा। Let me smoke it again. सिंगल भी आप इसे पी सकते हैं, इफ यू कैन हैंडल दैट स्वीटनेस। वो मेरा प्रॉब्लम है, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, इट बी वेरी फ्रैंक। अगर आप बहुत मीठा फ्लेवर पी सकते हैं, इट यू कैन स्मोक इट एब्सोल्युटली सिंगल। बाकी भाई पीने में बहुत अच्छा आ रहा है, लेमन का मुझे जेस्टीनेस आ रहा है, लेमन का खटास नहीं आ रहा है इसमें। पाइनएप्पल का प्रोमिनेंट टेस्ट है, बट लेमन का आई थिंक सो जेस्टीनेस है, और एक ब्लेंड है लेमन का, बिकॉज अल्फाकर लेमन इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज अवेलेबल। इन केस ऑफ मजाया ले लो या सुपर लेमन मिंट ले लो, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग है एकदम, लाइक लेमन ले खट्टा ले नींबू निचोड़ मुँह में, ऐसा है वो। ये लेमन वैसा नहीं है अल्फाकर का, मैंने पहले भी बहुत पहले पिया अल्फाकर लेमन, वो वैसा नहीं, वो थोड़ा स्वीट एंड में है इनका लेमन, और इनका जो पाइनएप्पल है वो भी थोड़ा अलग है, इट्स नॉट लाइक अफजल पाइनएप्पल। एंड द मिक्सचर इज बेसिकली, ऑब्वियसली वो जजमेंट होता है कि क्या इसमें हो सकता है स्वीट लेमन, कोई कंपनी इसे रिवील नहीं करती प्रीमिक्स को, वरना कॉपी हो जाएगा। तो जो अपने हुक्का एंथुसियास्ट होते हैं, व्लॉगर्स होते हैं, वो लोग तरह तरह की चीज़ें लिखते हैं, किसी को क्या, कोई बोलेगा स्ट्रॉबेरी आ रहा है मुझे एंड ऑल, पर ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि इसमें है स्वीट लेमन एंड पाइनएप्पल का मिक्सचर। तो पाइनएप्पल मुझे आ रहा है, स्वीट लेमन का मुझे हल्का सा जेस्टीनेस का एक अरोमा आ रहा है। ओवरऑल द फ्लेवर इज एब्सोल्युटली स्मोकेबल और बहुत अच्छा फीलिंग देगा। अभी मुझे मिठास नहीं आ रहा है, एकदम स्टार्टिंग में मिठास आ रहा था, अभी मुझे मिठास नहीं आ रहा है। लेट मी टेक अ ड्रैग। यस, चमक रहा है, इट्स लाइक 20 मिनट्स इनटू द सेशन राइट नाउ। इट इज स्मूथ, इट्स गुड फॉर गर्ल्स। मीठा है,
अच्छा फील भी देता है, जस्ट लाइक योर अडालिया लव 66, अ गर्ली फ्लेवर. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर गर्ल्स जो ज़्यादा हुक्का नहीं पीते, जिनको थोड़ा मतलब प्रोमिनेंट हुक्का एकदम कड़क स्मोकर भी है, बट कोई कोई जो कैजुअली स्मोक करते हैं, कभी कभी स्मोक करते हैं, लाउंज में स्मोक करते हैं, उन गर्ल्स के लिए बहुत बेस्ट फ्लेवर है ये. और आप भी पी सकते हैं. इट्स अ हुक्का बस पासेस दिस फ्लेवर. बहुत अच्छा अरोमा है इसमें, बट आई वुड स्लाइटली मिक्स 20% पांडर्स और 15% पांडर्स और लिटल आई वुड से इवन 10% पांडर्स टू मेक इट मोर एंटाइसिंग एंड टू माई पैलेट. और आप भी आई थिंक सो थोड़ा सा 10% पांडर्स इसमें 10-20% के आसपास पांडर्स डाल सकते हैं. हल्का कूलेंट देगा और हल्का ब्लेंड देगा पूरे फ्लेवर में. तो चलिए फिर ये रहा मेरा रिव्यू ऑफ द अल्फाकर वाइट फ्लैश. इम्पोर्टेड फ्लेवर है, इंडिया में पता नहीं बनता है कि नहीं, बट इम्पोर्टेड ये वाला तो इम्पोर्टेड है एंड इट्स एब्सोल्युटली स्मोकिंग फाइन. कोई ओवर ईटिंग का इशू नहीं है. और टबैको खोल के क्या दिखाओ, वही अपना रेड वाला जो अल्फाकर है वही है, कुछ अलग नहीं है. तो टबैको खोल के फालतू में टाइम ऐड करे क्या मतलब है. वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा बोलता हूँ, राइट. सो मैं तो अपना होकर सेशन बहुत अच्छी तरह से इन्जॉय कर रहा हूँ. आप भी अपना होकर सेशन इन्जॉय कीजिए. लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम होकर बेस्ट फ्रेंड को जाके प्लीज़ फॉलो कर दीजिए. मैं बहुत अच्छी स्टोरीज डालता हूँ वहाँ पर, राइट. और मैं आपको मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में. यस.